साइकिल यात्रा को देखते हुए भारी फोर्स लगाई गई है। सीएम आवास के इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय से जनेश्वर मिश्रा पार्क तक साइकिल चलाकर भाजपा सरकार का साइकिल यात्रा के जरिए विरोध करेगी। सपा यात्रा को देखते हुए बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगे कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, भारी पुलिस बल तैनात। हर शिखर पर रंग जाएगा, सपा का परचम गली गली लहराएगा। अखिलेश यादव के आह्वान पर 5 तारीख को साइकिल यात्रा निकाली गई। हमसे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के महानगर सचिव शुभियां कुरैशी जी, हम बात करेंगे उनसे कि ये तैयार है यात्रा किस मुद्दे को लेकर निकाली। ये जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे 5 अगस्त को साइकिल यात्रा निकलना थी, प्रदेश कार्यालय से जाना थी और आपके जानेश्वर मिश्र पे ख़त्म होना थी। तो जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिशा निर्देश दिए थे उसको लेके हम सब उनके सिपाहियों ने, संगठन के लोगों ने जम के मेहनत की है और विपक्षी पार्टियों के इतना खौफ पैदा हो गया इस रैली देख के कि हम बता नहीं सकते। और 2022 में कुल बहुमत से 350 के ऊपर सीटें लेके समाजवादी सरकार बनाई। समाजवादी कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर आगे की क्या तैयारी? आगे की तैयारी ये है कि ईमानदारी से जितने भी संगठन हैं ईमानदारी से मेहनत करें, कोई भी आदमी पार्टी का विरोध ना करे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने अच्छे आदमी हैं कि किसी न किसी को कोई ना कोई पद दे देते हैं सरकार बनने के बाद। तो मेरा यही कहना है दिल खोल के मेहनत करें और सरकार पूरी तरह से बन चुकी है। महंगाई को लेकर समाजवादी कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? महंगाई को लेकर समाजवादियों का ये कहना है कि आप लोग तो देख ही रहे किस तरह रोडों पे सन्नाटे हैं, लोग गाड़ियां नहीं निकाल रहे हैं, पेट्रोल नहीं डलवा पा रहे हैं, हर आदमी बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया, बहुत परेशान हो गया। बस अब आदमी का एक ही विकल्प है कि योगी सरकार हटाओ और अखिलेश सरकार बनाओ। से बात करने के लिए महानगर सचिव कुरैशी जी, जैसे साफ तौर पर कह रहा है कि समाजवादी कार्यकर्ता पूरी तरीके से